हर वक्त अपने ऊटपटांग कामों से चर्चा में रहने वाले अतरंगी नेता ने इस बार तो गजब ही कर दिया। इस बार नेताजी ने जनता की नींद ही उड़ा दी। टिकट की टेंशन में नेताजी को खुद तो नींद आ नहीं रही। सुबह 4 बजे लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर उनकी नींद खराब करके ये नेताजी कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें। मंत्री जी, आप भी गजब ढा रहे हैं। मीडिया को सुबह 4 बजे साथ लेकर लोगों की समस्या पूछने उनके दर पर जा रहे हैं। आप वाकई में अजब मध्य प्रदेश के गजब मंत्री जी हैं। हम जानते हैं चुनाव सर पर है, आपकी घबराहट को भी हम समझते हैं। एक तो आपको ये डर सता रहा है कि चुनाव जीतना इस बार टेढ़ी खीर होगा, और उससे बड़ा डर ये कि टिकट भी मिलेगा या नहीं। सब जानते हैं कि चिंता में नींद उड़ना स्वाभाविक है। आपको भी कहां आ रही होगी नींद, मगर बेचारी जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप सुबह 4 बजे उनका दरवाजा खटखटाकर उनकी नींद खराब कर रहे हो। नेताजी, ये जनता है, अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और थक कर चैन की नींद सोती है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनकी नींद खराब करें। नेताजी, आप जनता की समस्या दूर करने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। वैसे आपको बता दें कि भोपाल से तड़के सुबह 4 बजे ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने लोगों को जगाकर सड़क, बिजली और पानी का हाल पूछा। इन नेताजी के नए नए किस्से सुनने को मिलते हैं। नाले में उतरना, खंबे पर चढ़ना इनकी हॉबी है। मगर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने सुबह 4 बजे लोगों के घर पहुंचकर और लोगों को जगाकर सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं के बारे में पूछकर अपने किस्सों में एक किस्सा और नया जोड़ लिया है। नेताजी, अब आपके इस ऊटपटांग नए प्रयोग से आपके वोट कटेंगे या बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं प्रद्युम्न तोमर, मंत्री जी आए नहीं है आपके यहां? आ रहे हैं भाई जान। नमस्कार प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नमस्ते। ले लो, नमस्ते। पानी आने के लिए आए पानी आने ठीक है। क्या नाम लिखते हो पूरा? बढ़िया हो भैया। और कैसे हो दादा? जैसा पानी आने ठीक मिल रहा है। और कुछ दिक्कत भी आपके बीच में खड़े हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अब ठीक है, अब मेन रोड भी ठीक बन रहा है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।